सोलन जिला के अधिकतर ग्रामीण जहां जंगली जानवरों के आतंक से खेती बाड़ी करना छोड़ चुके हैं, वहीं सोलन के विधानसभा क्षेत्र अर्की की ग्राम पंचायत ममलोक कला के गांव टाव के करीब 8 परिवार खेती करना चाहते हैं, जिसमें से 5 अनुसूचित गरीब परिवार संबंध रखते हैं। इस महंगाई के दौर में ये परिवारों की खेती कर ही रोजी रोटी कमाते हैं, परन्तु पिछले लंबे अरसे से इन ग्रामीणों को उठाव सिंचाई योजना ममलोक कला से नहीं जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए ग्रामीण आईपीएच विभाग सहित पंचायत के प्रतिनिधियों से बार बार गुहार लगा रहे हैं। अभी तक भी इनको उठाव सिंचाई योजना ममलोक कला से नहीं जोड़ा गया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने आज मीडिया के समक्ष भारी रोष जताते हुए उग्र आंदोलन करने की बात कह डाली। इसी कड़ी में आज ग्राम पंचायत ममलोक कला की प्रधान मीना ठाकुर की अध्यक्षता में ग्राम टाव 8 परिवारों के लोगों ने उठाव सिंचाई योजना ममलोक कला से जोड़ने के बारे में बैठक की। बैठक में ग्रामीणों ने सिंचाई योजना पर विभाग द्वारा किए जा रहे सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि इस पंचायत में सिंचाई की 2 योजनाएं स्कीमें चल रही हैं, जिसमें से एक स्कीम ममलोक कला सिंचाई योजना है जो कि लगभग 2 वर्षों से बंद पड़ी है। दूसरी साई कुंड चमियासी सिंचाई योजना है जो गांव के बहुत ही नजदीक है, जिसका लाभ इन 8 परिवारों को आसानी से मिल सकता है, परंतु बार बार चेताने के बावजूद भी विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि हालांकि यदि विभाग अब भी कार्रवाई नहीं करता है तो सभी ग्रामवासी उग्र होकर प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे, जिसका जिम्मेवार स्वयं विभाग होगा। पंचायत प्रधान मीना ठाकुर ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधि कई बार विभाग से मिल चुका है और इन 8 परिवारों में 5 अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और 3 स्वर्ण हैं। उन्होंने कहा कि विभाग का ध्यान इसमें पर सिंचाई योजना की ओर ला चुके हैं, पर विभाग का कोई अधिकारी भी काम में नहीं आया। सर, हमारे यहाँ स्कीम जो पानी की है वो 2 साल से बंद पड़ी हुई है, इसलिए हम साई जोड़ी स्कीम से पानी मिलना चाहिए और ये परिवार कई सालों से वंचित है, इसलिए हमें इसी स्कीम से पानी मिलना चाहिए। पंचायत सदस्य मीना देवी ने बताया कि अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और आज के इस दौर में जब लोग खेती बाड़ी से मुंह मोड़ रहे हैं, परंतु हम अपनी आजीविका खेती बाड़ी कर कमाना चाहते हैं, लेकिन आज भी हम पिछले वर्ग की तरह ही हमसे व्यवहार किया जा रहा है। हम सरकार से व विभाग से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमें साईं कुंडू चमियासी सिंचाई योजना से जोड़ा जाए, ताकि हमारे बेरोजगार बच्चे अपनी कृषि पर अपनी रोजी कमा सकें। ग्राम पंचायत ममलोक कला से वार्ड मेंबर बोल रही हूँ, और हम 4-5 परिवार ऐसी के बिना पानी से दोनों लाइनों से वंचित है, ममलोक वाली कैनो लाइन से भी और साई जोड़ी जो स्कीम चल रही है उससे भी। हम चाहते हैं कि हमारे को इस लाइन से जोड़ा जाए और साई जोड़ी से, और हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और हमने डिपार्टमेंट को सबको इसका कैनो किया हुआ है, जो कोई भी इसका ले रहे सुनाई नहीं कर ले रहे। और इसका चाहे सर्वा डिपार्टमेंट करे, इसका हम जानो पानी चाहिए मेरे को, चाहे हमारे को लग स्कीम लगाए डिपार्टमेंट 7 परिवारों को लग लगाए, या साई जोड़ी से जोड़े या लोकला स्कीम से जोड़े, हमारे को पानी चाहिए। स्थानीय निवासी राम किशन ने बताया कि गांव की खुशहाली के लिए पंचायत प्रत्येक वर्ग के साथ हमेशा से कदम मिलाकर चलते आए हैं और सरकार से व विभाग से यही चाहते हैं कि हमारे गांव को सिंचाई योजना से जोड़कर गरीब व छोटे तबके के लोगों को आगे हो आने में सहयोग करें। हम लोग किसान हैं और हमें जो है दोनों स्कीमों से पानी से वंचित किया गया, हमारी डिपार्टमेंट ने कोई सुनवाई नहीं की, हम बेरोजगार, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, हमें जो है कुंड साई जोड़ी से स्कीम से जोड़ा जाए, और ताकि हम लोग अपने बच्चों का थोड़ा बहुत निर्वाह कर सकें, खेती बाड़ी को जो है हम थोड़ा निर्वाह कर सकें, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। प्रेम सिंह ठाकुर ने कहा कि आज सभी ग्रामवासियों ने मीडिया के सामने अपनी आवाज उठाई है, हम लोगों ने अपने खर्च पे पाइप भी खरीद रखी है ताकि हमें सिंचाई का जल्द से लाभ मिल सके, बेरोजगार बैठे युवा खेती कर अपना पेट पाल सकें। इस बारे में आईपीएच नालागढ़ के अधिशांसी अभियंता विजय दत्तवालिया से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि जेई को भेजकर ग्रामवासियों की सिंचाई समस्या का समाधान जल्द ही करवा दिया जाएगा।
जहाँ आज के बात जो शुरू की जा रही है, हमारे रिपोर्टर यहाँ आए हुए हैं, वो हमारी समस्या को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और ये हमें पता कि इनकी बातें आगे हम लोग में लाई जाएगी। जो हमारी समस्या है, ये जो टाव गांव है, यहाँ पर 7-8 परिवार हैं जो जोड़ी और मनलो कला के दोनों स्कीमों से छूट चुके हैं। इनको कोई भी स्कीम से नहीं डाला जा चुका है। पिछले 2 साल से नई स्कीम शुरू हुई है, उसमें से ये बहुत बेहतर तरीके से पानी आ सकता है, परंतु इसको कोई भी सुनवाई नहीं किया जा रहा है। बल्कि यहाँ तक इन लोगों ने अपनी 1 लाख रुपए की पाइपें ला के रखी हुई है ताकि डिपार्टमेंट इनको जोड़े। हम भी सहयोग करते हैं, परंतु ना कोई डिपार्टमेंट सुन रहा है, ना कोई इनकी बात सुन रहा है। हम चाहते हैं कि एक मीडिया वाले हमारा आवाज़ उठाए ताकि इस समस्या का निवारण हो सके।